हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रल पाइप या एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के Q4 रिजल्ट के बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या करंट प्राइस में कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसे भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को, उसके बाद ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्च 2021 में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 1132.8 करोड़ का, जो पिछले साल ही मार्च 2020 में था 629 करोड़। और यहाँ पे मोर देन 70% का रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2020 में था 903.6 करोड़ का रेवेन्यू और करंटली मार्च 2021 में 1132.8 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों तरीके से ये इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीमेंट लाया है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 में 112.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और करेंटली है 254.6 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 100% का एक इंक्रीमेंट लाया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले ही क्वार्टर में 192 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट और करंट ईयर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे तरीके से कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी कंपनी ने वही सेम पैटर्न में इंक्रीमेंट किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से कंपनी ने उसी प्रोपोर्शन में जैसे रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीमेंट किया है, वैसे ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट को भी कंपनी ने इंक्रीमेंट किया है। और अगर नेट प्रॉफिट में अब लोग ईयर ऑन ईयर में इंक्रीमेंट देखें तो ये मोर देन 300% का इंक्रीमेंट आया है। देखिए, मार्च 2020 में 51.1 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट था और करंटली है 174.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 300% है। ये बहुत ही इंप्रेसिव एक नंबर है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग नेट प्रॉफिट को देखें तो 123.2 करोड़ का पिछले क्वार्टर में ही था इसका नेट प्रॉफिट, मोर देन 40% का एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए मार्च 2020 में 2590 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, मार्च 2021 में 3201.4 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक अच्छे तरीके से इसे ग्रो किया है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन को देखें मोर देन 23% का ये इंक्रीमेंट है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 30% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे तरीके से मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है, यानी रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में कंपनी का एक कॉम्बिनेशन है। कंपनी दोनों तरीके से अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ा रहा है। ये बहुत ही कम कंपनी में देखा जाता है और बहुत ही कम कंपनीज इसे कर पाते हैं, जिनको अपने रेवेन्यू के ऊपर एक कंट्रोल होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर एक कंट्रोल होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छे कंपनी का मैनेजमेंट का एक निशानी होता है। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें एनुअल बेसिस पे, कंपनी के नेट प्रॉफिट मोर देन 70% तक इंक्रीमेंट आया है। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैंने पहले ही आपको कहा था कि कंपनी का अगर रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंट्रोल है कि वो उसे इंक्रीज कर सकता है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भी कंपनी का एक इंक्रीमेंट आता है। तो यहाँ पे देखिए, पिछले साल 9.74% का नेट प्रॉफिट था और करेंटली है 13.07% का नेट प्रॉफिट, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छे तरीके से इस नंबर को ग्रो किया है। और इसके साथ कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट में ये भी कहा है, कंपनी अपना जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस है, जो जॉइंट वेंचर है केनिया में, वो बंद करने वाला है। और उसके साथ कंपनी ने एक एक्सेप्शनल आइटम भी रजिस्टर किया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जो है 12.3 करोड़ का। और कंपनी इसके साथ बोल रहा है कि कंपनी का जो उड़ीसा प्लांट में काम चल रहा है, वो शेड्यूल के हिसाब से काम चल रहा है और कंपनी प्लान कर रहा है ये प्लांट रनिंग हो जाएगा सितंबर 2021 तक। और कंपनी ने इसके साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो पर शेयर 1 रुपीज़ है, यानी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स है तो आपको 10 रुपीज़ कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलेगा। और अभी कंपनी के शेयर प्राइस की तरफ चलते हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का जो चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस पिछले दिन से ही गिर रहा है। हालांकि क्वार्टर फोर का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था।
मगर ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पाया पिछले टाइम के हाई को टच करके। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कंपनी के क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसके बारे में पहले से ही मार्केट में ऑप्टिमिज्म था, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी नीचे कंपनी के शेयर को खरीदा था और ऑप्टिमिज्म की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिनों तक ऊपर जाता ही रहा है। और जब क्वार्टर फोर का अल्टीमेट रिजल्ट आया था तब ये शेयर प्राइस डिस्काउंट होना चाहिए था, तो ये एक शेड्यूल के मैनर में यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने खरीदा था यहाँ पे आके उन्होंने बेच दिया है, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो ह्यूज सेलिंग की वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार नीचे आ रहा है। तो इस करंट प्राइस के हिसाब से क्या हमें खरीदना चाहिए? देखिए यहाँ पे करेंटली कंपनी का शेयर प्राइस अभी गिर रहा है, तो आप और थोड़ा गिनने दीजिए। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1706 के आसपास सपोर्ट है और उसके बाद 1567 के आसपास इसका सपोर्ट है। और अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लेके एक दो दिन तक ठहर के एक अच्छे वॉल्यूम के साथ पिछले दिन के कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज होता है तो वो एक अच्छा सिग्नल माना जाएगा कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है 1567.65 के आसपास, तो यहाँ पे आके अगर रुकता है और सेमी पैटर्न आप फॉलो कीजिए हाई वॉल्यूम के साथ पिछले दिन के हाई को तोड़ के अगर ऊपर जाके क्लोज होता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मगर अभी कंपनी के शेयर प्राइस को आप थोड़ा नीचे आने के लिए वेट कीजिए। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक दो दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, मगर करंटली आप थोड़ा वेट कीजिए। और अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मैं सेम एडवाइस करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए कंपनी के शेयर प्राइस को और थोड़ा सपोर्ट तक आने दीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं, या आगे आने वाले टाइम पे आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।